यहाँ पर आया हूँ उसकी मैंने आपको पिछली तफसील बता दी। डीएक्सएन जो है वो बाकायदा एक इदारा है जो कि आपकी सेहत के ऊपर काम करता है। नंबर वन इसके ऊपर काम करता है सेहत के ऊपर। जो लोग भी इस बात के ऊपर अमल करना चाहते हैं जब तक वो हयात है उनकी सेहत फिट रहे, वो उनके घर वाले वो खुद फिट रहे, बीमारियों से महफूज रहे, उनको डीएक्सएन लाजमी यूज करना चाहिए और सीख के यूज करना चाहिए। मैंने तो एक चीज का नाम लिया ऋषि मशरूम जिसके ऊपर पूरी कंपनी खड़ी है, लेकिन इसके अलावा ऋषि मशरूम सुगत है कुछ लोगों को लगता है कि ये महंगी है, उसकी वजह से डॉक्टर लिम ने इसके अंदर तरकीब निकाले कि इसने मुख्तलिफ प्रोडक्ट के अंदर इसको इस्तेमाल किया जो कि पूरी दुनिया में पहली दफा हुआ। आज भी पूरी दुनिया के अंदर जो कॉफी इस्तेमाल की जाती है उसमें कैफीन की तादाद है 19 से 20% कैफीन है। पूरी दुनिया में वाहिद डीएक्सएन की कॉफी है जिसमें 19 से 20% कैफीन नहीं है, 0.06% कैफीन है जो हमारी जरूरत है। और कॉफी यकीन ही बात है जिन लोगों ने इसके बारे में पढ़ा हो आपको कैंसर से बचाती है, एलर्जी से बचाती है, बहुत सारे मामले आते हैं आपकी सेहत रखती है लेकिन कैफीन की वजह से खराबी करती है। अब यहाँ पर ये सिस्टम क्या कर रहा है, ये सिस्टम कर रहा है डीएक्सएन का कि कॉफी को और मशरूम को एक जगह कर लिया उसने। अब मशरूम जो है वो एंटी ऑक्सीडेंट है और इसी तरह कॉफी जो है वो भी एंटी ऑक्सीडेंट है, तो दोनों मिलकर और ज्यादा अफादियत का हामिल है। करना क्या है कि रोजमर्रा जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं उसमें से हमें वो चीजों को छोड़कर डीएक्सएन के ब्रांड को इस्तेमाल करना है। आप जो आने वाले वक्त में बहुत बड़ा धमाका होने वाला था आपके सर के ऊपर या आपकी फैमिली में किसी के ऊपर, किसी को शुगर होने वाली थी, किसी को कैंसर होने वाला था, किसी को हार्ट अटैक होने वाला था, उससे बचाव का तरीका यह है कि कतरा कतरा दरिया बनता है, वो कतरा कतरा आप रोजाना इस्तेमाल करते रहेंगे, आने वाले वक्त में जो बड़ा हुआ आपके ऊपर बम फटना था उससे आप महफूज रहेंगे। ये डीएक्सएन का मेन काम। अच्छा शुरुआत जो आपने करती है इसके अंदर उसके अंदर यही है आपके पास जो नए लोग आते हैं उनको आपने इसके बारे में बताना है, सिखाना है। हर आदमी ने काम खुद करना है, हर आदमी ने काम खुद करना है। तरीके कार मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, हर आदमी इन चीजों को इस्तेमाल करेगा, अपनी सेहत का ख्याल रखेगा और दूसरों को इसकी अवेयरनेस देगा। हमारा काम क्या है कि हम लोगों को अवेयरनेस दें इस बात पे कि उनके बच्चे, उनके बड़े, उनके बुजुर्ग, उनकी सेहत कैसे सही रह सके। 60-70 साल के बाद अमूल कराची में देखा गया समुद्री हवा की वजह से गोडे मीठे जो है जवाब दे जाते हैं, किसे बैठा नहीं जा रहा होता, किसे खड़ा नहीं हो जा रहा था। आज मस्जिदों के अंदर देख लो, मस्जिदों के अंदर देख लो, चर्च में देख लो, किसी भी वैसे इबादत गाहों में जो भी जिसकी इबादत का है वहां देखोगे आपको नमाजियों के अंदर और इबादत करने वालों में 10-12% लोग ऐसे मिलेंगे कि जो कुर्सी के ऊपर बैठ के सारी बातें करें। आज हमारा मौका है, झुक सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं। एक मौका पर ऐसा आ जाता है कि आप उठ बैठ भी नहीं सकते, आप लेट भी नहीं सकते। हमें ये जो चीजें हैं ये इस चीज से हिफाजत करती हैं कि आपकी जितनी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं उनकी हिफाजत रहे, दिल की, गुर्दे की, जिगर की, आपके घुटनों की, आपकी बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की जरूरत है वहाँ पर आपके ऑक्सीजन के लिए इंशाल्लाह ताला उसके लिए डीएक्सएन अपनी प्रोडक्ट को पेश करता है। जैसे जैसे आप इसको यूज करते जाएंगे वैसे वैसे इसकी अफादियत आपके सामने आती जाएगी। अब कैसे हम इससे इनकम कमा सकते हैं ये भी एक अहम मामला है। अगर मैं 15,000 रुपये प्रोडक्ट हर महीने ले रहा हूँ, ये 15,000 कहाँ से आएंगे, तो 15,000 रुपये कमाने के लिए डीएक्सएन जो प्रोग्राम किया वो सबसे आसान है। कि लोगों को इसके बारे में यानी डीएक्सएन के बारे में आपने अवेयरनेस देनी है, खुद देनी है, अपनी टीम के साथ मिलकर देनी है, अपने सीनियर के साथ जोड़ के देनी है। अवेयरनेस देके आप उनको अपना मेंबर बनाएंगे और उनको ये बताएंगे कि आपने अपनी हिफाजत के लिए, अपनी सेहत की हिफाजत के लिए कैसे अपने आप को डीएक्सएन के जो तरीकेकार है उसके अंदर डालना है और अपनी प्रोडक्ट जो है उसको हमने कैसे इस्तेमाल करना है और कराना है। इसके साथ साथ ये कि आप अपनी टीम बना दे जाएंगे। मैं जब यहाँ पर आया था मुझे ये बात पता चली तो आज इंशाल्लाह ताला 1200-1500 लोगों की टीमें शामिल हैं जिसमें कि मुख्तलिफ ममालिक के टीमें पहुंची हुई। इसको शुरू करने का जो तरीका है वो आपके सामने आ रहा है। इसके अंदर आप अपनी शो अपनी टीम में शामिल करने की बहुत मेहनत करते हैं लेकिन लोगों को काम की तरफ मायल नहीं कर पाते। अब काम की तरफ मायल करने के लिए जो है वो जरूरी नहीं है कि हर आदमी इस काम की तरफ मायल हो, लेकिन आपको उसको अवेयरनेस देनी पड़ेगी कि आप इसको सीखो और इसको करो। मैं तो इसकी तरफ मायल था, किस तरह मायल था कि मैं यूजर था,
फिर मैं मायल हुआ कि मुझे समझ में आ गया कि भाई यूजर होने में तो पैसे खर्च होते हैं, पैसे खर्च होते हैं तो क्यों ना मैं अपनी टीम बनाऊँ। जब मैंने अपनी टीम कम्प्लीट कर ली तो आज इंशाल्लाह ताला मेरे घर में 50 से 60 हज़ार रुपये की प्रोडक्ट जाती है, जो कि यहाँ से मिलने वाले वाउचर के मुकाबले में कम है, यानी उसके बावजूद कुछ ना कुछ पैसे बच जाते हैं। अच्छा, जब इसी तरह एक आम नौकरी के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो सैलरी है उसका हिसाब लगाया जाए तो आपको एक आदमी की सैलरी मिलती है, फर्ज करें आपको 1 लाख रुपये मिलते हैं, फर्ज करें एक अच्छी जॉब है आपकी, आपको 1 लाख रुपये मिलते हैं। जब अपनी टीम बनानी शुरू करते हो, मैंने इनको भी जोड़ लिया, इनको भी, इनको भी, इनको भी, इनको भी, अब ये सब जितने काम करेंगे उसका बैलेंस जो भी होगा, बेनिफिट होगा, वो भी कंपनी मेरे अकाउंट में भी उसको शेयर करेगी, हर आदमी अपनी परसेंटेज के हिसाब शेयर करेगा। परसेंटेज मेरा 1 लाख रुपये हो गया, इन लोगों के सबके मिला के 5 लाख, ये 6 लाख रुपये हो गए। इन 6 लाख में से इन लोगों को भी प्रोडक्ट के लिए अपने इस्तेमाल के लिए पैसे मिलेंगे और मुझे भी मिलेंगे, ये MLM सिस्टम के तहत होगा। अब आपके पास जितने भी आने वाले हैं उनके साथ बैठ के आपने इस बात को डिस्कस करना है कि काम को कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले डिस्कस तो यही होगी कि काम को ऐसे करना चाहिए कि सबसे पहले मैं अपने शेयर के ऊपर काम करूँ, शेयर के ऊपर काम करने के साथ फिर मैं अपनी फैमिली के अंदर और रोज पड़ोस के अंदर भी इसी के ऊपर काम करूँ। तरकीब वही है कि मैडम शमीम जो है वो चीज़ें इस्तेमाल करेंगी अपने मतलब की जो डिक्शन में मौजूद है, और मैं अपने मतलब की चीज़ें इस्तेमाल करूँगा कि जो डिक्शन के अंदर मौजूद है। इन चीज़ों के इस्तेमाल से जो मुझे वैल्यू इसकी कंपनी ने रखी है वो जो हासिल होगी उससे मुझे जो नतीजे निकलेंगे वो बेहतरीन, और वो ऐसे हैं कि काम जो नौकरी है या काम कारोबार है उससे बहुत ज़्यादा है। जॉब के अंदर आपको 1 लाख 2 लाख कराची की सैलरी मिल जाएगी, बड़ा कोई इंजीनियर है तो 2.5 से 3 लाख में चला जाएगा, कोई मराद भी ले लेगा। DXN के अंदर इस तरह की कोई अमल भी मौजूद नहीं। आज DXN पाकिस्तान के अंदर 12 से 13 लाख रुपए महीना कमाने वाले लोग मौजूद हैं और इससे भी ऊपर तक लोग आ चुके हैं। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी चीज क्या है, एक तो बेनिफिट आपको ये है कि आपको पैसे मिलते हैं DXN से, दूसरा बेनिफिट सबसे पहले आपने लिया कि आपको सेहत मिलती है, तीसरा बेनिफिट ये है कि आपको पूरी दुनिया के अंदर घूमने का मौका मिलता है। यानी आज मेरे पास भी यहाँ पर ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने 32 ममालिक का विजिट किया DXN की तरफ से। इनकम के लिहाज से कमोबेश भी उनकी जो इनकम है उसके अंदर वो हर महीने टैक्स भी अदा करते हैं गवर्नमेंट को, वो 1 लाख रुपए नहीं उससे कुछ ज्यादा है। ये आम तौर पे किस तरह होता है कि इस काम के लिए जब आपको 1 लाख रुपए कहीं से कमाने हो तो आपको कम से कम 10 से 12 लाख रुपए देने पड़ते हैं। किस तरह देने पड़ते हैं कि अगर आप कोई दुकान खोलते हो, कोई बिजनेस शुरू करते हो तो उसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। DXN एक वाहिद ऐसा इदारा है कि जिसके अंदर आपको प्रोडक्ट की फिक्र नहीं, आपको दुकान की फिक्र नहीं, आपको किसी शोरूम की फिक्र नहीं, ये जुबानी माउथ शेयरिंग के ऊपर काम है सारा। आपने माउथ शेयरिंग की जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा वो किसी को दिखा दें। मिसाल के तौर पर इसका टूथपेस्ट है मैं इस्तेमाल करता हूँ, मैंने भाई शमीम को दिखा दिया, मैंने मौजूद को दिखाया कि मैंने कहा भाई ये चीज़ें और इस तरह है, इसके इस्तेमाल से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको डेंटल सर्जन के पास शायद सारी उम्र कभी ना जाना पड़े, आपके दांत में दर्द नहीं होगी, कीड़ा नहीं लगेगा। उसके साथ साथ दीगर फायदे जो दूसरे टूथपेस्ट में नहीं, वो फायदा ये होगा कि आपके मुंह में कोई जख्म कभी नहीं हो, आपके मुंह के अंदर कोई छाला फोड़ा पिंसी नहीं हो, क्योंकि अमूमी तौर पे जिनको माउथ कैंसर होता है सबसे पहले उनके मुंह में छाले आ जाते हैं, खाने पीने से भी रह जाते हैं, गला भी ऐसा ऐसा बंद होता है, उठते जाता है, दर्द उसका ये कि बाद में ऑपरेशन होता है, कार्टपीट होती है, केमोथेरापी हो जाती है और पता नहीं क्या क्या काम होते हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जिन लोगों के साथ ये काम हुआ है उनकी लाइफ जो है ना वो फिर तकरीबन ना होने के बराबर होती है। यानी कुछ लोग तो 15-20 दिन भी खौफ की वजह से भी निकालते हैं, कुछ लोग भी निकालते हैं 2.5-3 साल निकाल लेते हैं केमोथेरापी की वजह से, उसके बाद काले कर। अगर सिर्फ ये माउथ कैंसर के लिए भी इसी नज़रिए से ये टूथपेस्ट इस्तेमाल करेगा तो 1150 रुपये का टूथपेस्ट सिर्फ 3 महीने चलता है। एक आदमी अगर इस्तेमाल करे 3 से 4 महीने तक इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल इसका दूसरे टूथपेस्ट की तरह नहीं है, इसका इस्तेमाल है मटर के दाने के बराबर, मटर के दाने के बराबर आपने दांतों में मल लिया और साफ कर लिया। आपको हिफाजत किस चीज से हो रही है, माउथ कैंसर से हिफाजत हो रही है। इसी तरह और सारी चीजें उनके बारे में सीखते रहेंगे, लोगों को बताते रहेंगे, इंशाल्लाह ताला काम जो है ना आपका वो चलता रहेगा और टीम के साथ मिलकर काम करेंगे, पूछ लेंगे किसी भी बीमारी को चलने की और ज्यादा इसके करने में आसानी होगी। शुरू की इसकी मेहनत जो है वो 2 से 2.5 साल है,
जिंदगी का जिम्मेदाराना फैसला ये है कि हम ऐसी जगह पे काम करें जहां हमें टाइम फ्रीडम, टाइम फ्रीडम से बता दिए कि वक्त मेरा अपना हो, यानी जब मेरा दिल चाहेगा मैं काम करूंगा, जब मेरा दिल नहीं चाहेगा मैं काम नहीं करूंगा। इसी तरह टाइम फ्रीडम के साथ साथ और क्या चीजें होनी चाहिए, वो ये कि मैं अपने घर वालों को कितना टाइम देता हूँ और बाहर कितना टाइम देता हूँ। तो आपका टाइम फ्रीडम आप 24 घंटे अपने घर वालों के साथ आप तफरियां भी कर रहे हो, घर के बच्चों के साथ खेल भी रहे हो, उनके साथ बैठ के खाने भी बना रहे हो और दूसरे जितने मामला आते हैं, कि घर के अंदर रहते हुए ये काम कर सकता है। ये काम एक्चुअली पूरी फैमिली का काम, लेकिन कोई भी एक आदमी जब शुरुआत करता है फैमिली के अंदर खुद बहुत इन्वॉल्व हो जाता है। आज अलहमदिल्ला मैंने इस काम को शुरू किया था 3-3.5 साल के अंदर, 1500 लोगों पर चली गई। इस तरह मेरी फैमिली के तकरीबन इसके अंदर 35 से 40 लोग शामिल। उन शामिल होने वालों के अंदर मेरी फैमिली में मेरी बेटियां हैं, लाहौर में है वो भी एजुकेशन से रिलेटेड है, इस्लामाबाद में मेरी बेटी डॉक्टर है वो भी रिलेटेड है, मलेशिया के अंदर बच्चे हैं वो भी रिलेटेड है, दुबई के अंदर है और भी एक जगह है वहां पर भी है। तो कौन जगह शान काला शारजा में, ये सारे लोग जहां जहां पर भी है डीएक्सएल से रिलेटेड लोग खुद इस्तेमाल भी करते हैं, लोगों को इस्तेमाल भी कराते हैं, अपनी जॉब भी करना है, अपना कारोबार भी करना है। जैसे मैं फाइनेंस ऑफिसर हूँ, मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं डीएक्सएल भी कर रहा हूँ। इक्वल टू दोनों की जगह मेरी सेल्स का जो इनकम कह सकते हो आपकी दोनों तरफ से रीजन इक्वल है। उसके साथ साथ तीसरी जगह पर मैं अपना कारोबार एक और भी कर रहा हूँ और वो है मेरा कारोबार कौन सा, नर्सरी का कारोबार। नर्सरी कारोबार के तौर पर कराची की छोटी छोटी नर्सरियाँ हैं, हमारे घर के साथ भी हैं, नेक मोहम्मद साहब बैठे, इनका होलसेल डीलर भी हूँ। हमारे माल है पत्तों की से दूसरे शहरों से आता है, दूसरे ममालिक से आता है, थाईलैंड ईरान इधर उधर सब जगह से आके यहाँ पर हम पूरी पाकिस्तान के अंदर या स्पेशली कराची के अंदर उसकी डीलिंग भी करते हैं। लेकिन डीएसएन के काम के अंदर कोई रुकावट नहीं आती, इसी तरह उस काम के अंदर डीएसएन की वजह से कोई रुकावट नहीं आती। होता यूँ है, वेलफेयर वर्क क्या है, वेलफेयर वर्क ये है कि ये मेरे दोस्त मेरे पास आया, इन्होंने कहा यार मेरे पास ये जॉब नहीं है या मेरे पास ये घर पे तंदुरुस्ती है, तो हमने उनको ये काम बता के उनको इस काम के अंदर अपने साथ जोड़ लिया। जब हमने जोड़ लिया तो दो फायदे हुए, एक तो जेन खुलेगा, यहाँ की ट्रेनिंग होगी, यहाँ पर बहुत अजीब अजीब किस्म की ट्रेनिंग होती है, यहाँ पर खाने पीने पहनने ओढ़ने बिछोने बातचीत करने की सब किस्म की ट्रेनिंग होती है। रमजान मुबारक भी था यार, रमजान रसीद के नाम से खाना पकाने की ट्रेनिंग भी चल रही थी शमी भाई जी की। तो ट्रेनिंग के एतबार से भी यहाँ पर वो ट्रेनिंग मौजूद है, सेल्स के एतबार से भी, आपके उठने बैठने चलने फिरने के एतबार से भी, आपके दोस्त बनाने के एतबार से भी, कि जो और ट्रेनिंग इस कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी में है नहीं, और अगर है भी उनकी कास्ट कम से कम भी 10-12 लाख रुपये सालाना आती है, फिर वो ट्रेनिंग उनको हासिल होती है। दुनिया के अंदर सबसे आसान काम यह है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, जी एडिक्शन हाँ वो शाम को मैंने फोन कर दिया, शाम में कर दिया। तो ये सारे सिस्टम जितने भी हम देख रहे हैं इस वक्त, इसके अंदर सबसे अहम चीज ये है कि लाइफ के अंदर जब हम आते हैं तो हमें सीखना क्या है और करना क्या है। हमारी लाइफ कितनी है, 60-70 साल, और 60-70 साल की लाइफ में सबसे जरूरी चीज हमारे लिए क्या है, हम शेयरमैन हैं, बाकी सारे काम उसके बाद। इनकम का जहां तक ताल्लुक है, इनकम का मैंने आपको बताया कि इनकम आपकी एक आदमी की इनकम एक दफा होगी, लेकिन यहाँ पर जो टीम वर्क होगा, आपके साथ जुड़े हुए 1500 लोग काम कर रहे होंगे, ये एक आदमी की टीम नहीं होगी, 1500 लोगों की टीम। मैं एक घंटा काम करके अगर 100 रुपये कमाता हूँ तो 1500 लोग जब मेरे साथ जुड़े हुए होंगे तो 1500 घंटे काम, और 1500 घंटे जरब 100 कर देंगे तो 1.5 लाख रुपए की इनकम। इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे जो ज्यादा वर्किंग है वो MLM कंपनीज की। अब आपको कंपनीज के अंदर सबसे पहले प्रोफाइल को देखना है कि उसकी क्या स्ट्रेंथ है क्या नहीं। हर वक्त कराची में बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारे कंपनियां आती हैं चली जाती हैं, फ्रॉड भी कर जाते। हमारी कंपनी पिछले 15 साल से कराची के अंदर काम कर, 15 साल में जो जीरो पर थे आज 15 साल के बाद वो सारे हीरो
जो मुख्तलिफ नाम है मदरसे का, नईम शाह साहब हैं, जमान साहब हैं, आदम साहब हैं, ये सारे 15 साल पहले शुरुआत जब इन्होंने की थी इनको खुद कुछ पता नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं, हकीकत बता रहा हूँ। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह इन सब ने वो सब कुछ अचीव कर लिया है जो कि कुछ सरहद का जिम्मेदार बड़ा आदमी जो है वो कर सकता है, एम पी एम एल ए कर सकता। लेकिन मेहनत उन्होंने जो की है वो यही की है कि खुद इस्तेमाल करके और लोगों को इसकी अवेयरनेस दी है। ये सारी चीजें कहते हैं कि आम आदमी से मुख्तलिफ, जो आप सीख जाओगे फिर आपको मुख्तलिफ नहीं लगेगी, चाहे आप पीते हो रोजाना, चाहे वो आप खरीदी करके कॉफी पी लो, उसके साथ इस्तेमाल करते हो उसको तब्दील करके डिशन की कॉफी कुछ ले लो, इसी तरह नूडल्स हैं और कितनी सारी चीजें हैं, इस तरह मेकअप के कई सामान हैं। अब यहाँ पर एक चीज पड़ी थी आप लोगों की नज़र में भी आ रही होगी कि मुख्तलिफ प्रोडक्ट यहाँ पड़ी है, कार्डियो वाइन इतनी जबरदस्त चीज है, पहले मैं इसको नहीं समझता था लेकिन जब इसके बारे में पढ़ा तो पता चला कि ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, जिनको सांस का कोई प्रॉब्लम हो, जिनको हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो, ब्लॉकेज वगैरह मसला हो, जिनकी सांस ज्यादा चलती हो, कार्डियो वाइन उनके बेहतरीन चीज, जब पता चलेगा कि बेहतरीन चीज है तो आप इसी को इस्तेमाल करोगे बजाय इसके कि आप दवाइयाँ इस्तेमाल करके उनके साइड इफेक्ट। एक दांत के दर्द की जो गोली मिलती है 20-35 रुपए की गोली है, दांत का दर्द ठीक कर देती है लेकिन पेट के निजाम को खराब कर देती है, और वो जो खराबी है वो उसकी कम से कम की जाती है 6 महीने में, ठीक है। अब ये देखो कि दांत का दर्द उसने ठीक कर दिया लेकिन मेदे को खराब कर दिया, और मेदे के अंदर बकायदा अगर आपने ज्यादा खा ली तो आपको लामहाला अल्सर हो जाएगा। इन चीजों के अंदर 10 साल की रिसर्च है डॉक्टर ने भी, उसमें साइड इफेक्ट नहीं है, बच्चा बूढ़ा जवान जितनी भी मिकदार में जब भी चाहे इसको ले सकते। मैं अभी थोड़ी देर पहले इससे बात हो रही थी, मैं क्या स्पैरो की नाम आमतौर पर लोग खाते 2 गोलियां 3 गोलियां, तो मैंने इनको बताया कि मेरी बच्चियों के प्रेगनेंसी पीरियड के अंदर जब मुझे पता था कि डॉक्टर ने कहा हुआ है कि उनको ब्लड की जरूरत है, तो मैंने एक टाइम में उनको 20 से 25 गोलियां तक खाया, यानी सुबह से रात तक उनको 40-45 गोलियां में खिला दी। 3 महीने के अंदर उनकी रिकवरी ये है कि जहाँ पर 8-9 बोतल उनको चाहिए थी पॉइंट उनको ब्लड के, उनको एंड प्रेगनेंसी पीरियड के अंदर उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। डॉक्टर भी इस बात पर हैरान कि ये कैसे हो, मैं बताया आपको नहीं कहती आज डॉक्टर भी हमारी लाइन में वादा काम करते, तो जैसे जैसे आदमी जीतता जाएगा इसके अंदर उसकी बढ़ोतरी होती जाएगी, इसमें कुछ वक्त आपका लगेगा, उसके लिए आपको ये है कि बाकायदा बैठ के इसको सीखना पड़ेगा, मनसूबाबंदी करनी पड़ेगी, जो सीनियर है उनसे मशवरा करना पड़ेगा, मशवरा करने के बाद आप इसके अंदर आगे कामयाबी और नाकामी के अनुसार आप पर है कितना आप इसको टाइम देंगे और कितना आप इसको सीखते हो। हमारा जो सीनियर लोग हैं उनका काम ये होता है कि जल्दी से जल्दी आदमी इस काबिल बन जाए कि उसकी इनकम जो है प्रॉपर ऐसी हो जाए कि उसको कोई और काम करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना। अच्छा, क्योंकि ये बराबर बिजनेस है, इसके अंदर कोई सूद का निजाम नहीं है कि आपने फिक्स कोई पैसे लगाए और आपको मिलता है, इसलिए इसकी इनकम में भी उतार चढ़ाव जो है वो आ जाता है। और इसमें सबसे जो अहम बात है कि सामने वाले की जितनी मजबूरियां उनको सुन ले पहले, उनको सुनने के बाद फिर उसको मशवरा दें, फिर आप उसको मशवरा दें कि उसको किस तरीके से काम करना है, जो आप हेल्प कर सकते हो उनकी करो। हेल्प करने का सबसे आसान तरीका क्या है, डॉक्टर अस्मा कहने लगी कि आप किसी की मदद करना चाहते हो तो बजाय उनको मछली देने के आप उसको मछली की डोर दे, मछली का कांटा दे और उसको बोलो कि भाई ये जगह है यहाँ से अपना शिकार कर रखो, आप तो उसको एक मछली दोगे, अगर उसने मेहनत कर ली तो शाम तक वो 1000 मछली पकड़ सकता है, लेकिन उसको आपने रास्ता दिखा। यही चीज डिक्शन के अंदर है कि डिक्शन के अंदर लोगों को जितनी अवेयरनेस वो ले लेंगे उसके मुताबिक वो काम शुरू कर देंगे और आने वाले वक्त में वो एक आम कारोबार से ज्यादा ऊपर निकल जाए। आज कोई एक्सपेक्ट करता है, कोई उम्मीद करता है कि मुझे 40,000-50,000 की नौकरी मिल जाए, डिक्शन के आने के बाद 40,000-50,000 की बात नहीं है बल्कि लाखों की बात है, लेकिन वक्ती तौर पर उसको ये सारा जज्जात जो है ये भुगतना पड़ेगा कि उसको मेहनत करनी पड़ेगी, उसको सीखना पड़ेगा। ये पीरियड तकरीबन 3 से 4 महीने, 3 से 4 महीने के बाद रैंक इसके जो चेंज होते हैं उसको स्टार रैंक पे आदमी पहुंच जाता है, इसमें पहली इनकम उसकी तकरीबन 25 से 30,000 रुपये शुरू हो जाता है। अब ये इनकम रुकेगी कि ना कम होगी, अगर वो रेगुलर काम कर रहा है, रेगुलर काम कर रहा है तो तकरीबन मैंने अभी हमारे जो उस्ताद नईम साहब ने उनसे सुना आफ्टर 6 मंथ उनकी इनकम जो थी वो उन्होंने 2 लाख रुपए, कब 15 साल पहले, और 15 साल पहले के जो उन्होंने 2 लाख रुपए थे उसकी वैल्यू आप आज समझते हो कि क्या वैल्यू होगी।
अब इसमें आपको करना क्या है, नोटबुक के तहत ये जो आपको तरीकेदार है इसको उसको सीख लें, चेकलिस्ट से शुरू करें, मुनासिब जो हमारी मसनूआत है उनके बारे में भी आप सीख लो कि उसके फायदे क्या हैं, उसका तरीकेकार क्या है, उसको बताना कैसे, उसको सीखना कैसे, और जरा इनको भी आप पता चल जाएगा। इसमें तरीकेकार वर्किंग करने का जो है वो सिर्फ लोगों से मिलना नहीं है, बल्कि इसमें ई मेल है और ये सारा फेसबुक वगैरह और जितने भी आपके प्रोग्राम होते हैं उनकी तस्वीर वगैरह भेज के आप उसको अपनी तरफ मायल करके आप उसको बता सकते हो कि भी आपने काम करना है किस बुनियाद के ऊपर, आपने काम करना है मार्केटिंग प्लान की बुनियादी मालूम आप खुद दोगे सीखोगे उसको, उसके लिए किताबें भी कोई असर है और सीनियर लोग भी कोई असर है। इनके प्लान जो है उसको दीपॉन्ट में बैठ के बता देते हैं। आज जिन्होंने शुरू किया था 6% से, जैसे मैंने शुरू किया था 6% से, आज मैं स्टार्ट क्या हो गया पता नहीं, स्टार्ट डायमंड हो गया, यानी 37% इनकम है। उसके अलावा कितने किस्म के बोनसेज हैं जो हम टीम को मैनेजमेंट करके चल रहे होते हैं। इस लिहाज से अगर मेरा 1500 लोग फर्स्ट है, 1500 लोग 100 पीवी करते हैं, कितने प्रोडक्ट वैल्यू के जो सिस्टम में होते हैं 100 पीवी करते हैं तो ये कितने पीवी हो जाते हैं, 1.5 लाख पीवी, 1.5 लाख पीवी हो जाते हैं। और अगर आपको कंपनी 10 रुपए की पीवी की देती है फर्स्ट कर ले आपकी इनकम कितनी हो, इसके पीछे 15 लाख रुपए की इनकम आपकी एक महीने की हो जाए। मेहनत आपको करनी है, कैसे करनी है उसका तरीका भी आपको बता दिए, ठीक है ना। इसको करने के लिए ये सारे जराए भी आपको मौजूद है, जब ये जराए मौजूद है इसका मतलब है आपका जो ऑफिस है वो आपके घर पे है, ईमेल वगैरह देखो आप यूट्यूब पर घर पर बैठ कर सकते हो, आपने भागने दौड़ने की जरूरत नहीं, पेट्रोल का खर्चा भी बच जाएगा। बुनियादी मालूम जो है ना आपको मार्केटिंग प्लान की वो हासिल करनी है और इसके साथ साथ लोगों को अपनी तरफ इस कंपनी की तरफ लाने के लिए और अपनी टीम का हिस्सा बनाने के लिए उनको हर आदमी को आपके जो भी जरूरतमंद है जो समझता है कि वो दुनिया के अंदर कामयाब आसान तरीके से और कम वक्त में होना चाहता है वो इसके अंदर शामिल हो। ये फास्ट ट्रेन तरीका है एक समझ लो कि आगे बढ़ने का। दूसरा लफ्ज इसके अंदर इस्तेमाल होंगे करोड़पति बनने का, अरबपति बनने का सबसे आसान तरीका। पूरी दुनिया के अंदर अगर आप नेट पर सर्च करोगे MLM कंपनीज में काम करने वाले सबसे कीमती गाड़ियां रख के बैठे दुनिया में, जब आप रिसर्च करोगे तो एक चीज आपकी नजर में आएगी कि जो मेटेरियल मार्केटिंग कर रहे हैं इस वक्त उनकी सबसे बड़ी जगहें या उनके सबसे बड़े घर है। डॉक्टर लिम जो खुद इस वक्त माशाल्लाह अपना दयारा है, अपना एयरपोर्ट है, अवार्ड क्या दिया उनको रशियन गवर्नमेंट ने, दत्तू डॉक्टर लिम यानी उनका जो सबसे बड़ा एजाज है वो इनको दिया, एजाज नाम होते हैं दत्तू डॉक्टर लिम। तो अब आपको फैसला ये करना है कि आपने कैसे अपना वक्त गुजारना है, कितने घंटे आपने डिलेक्शन को देने हैं, कितने आपने किसी चीज़ को देना है, सीखना कितनी देर है, सिखाना कितनी देर है, लोगों को अपने साथ जोड़ना कितनी देर है। ये सर वो वाहिद इदारा है जो हर आदमी को अहम कर देते हैं। आप यकीन करोगे जो आप उसको सीख के किससे बात करोगे आपको ये सारी चीज़ें अहम हो जाएंगी और कितने लोग आपकी बात मानने वाले हैं, कितने लोग आपकी बात को टालने वाले हैं, कितने लोग इस बात को अहमियत नहीं देते कि वो सेहतमंद होना चाहिए, कितने लोग इस बात को अहमियत देते हैं कि हाँ भी सेहत की कोई चीज है। अब इसी तरह मुख्तलिफ बातें हैं कि आप एक घंटा रोजाना ले लो उसको, अच्छा काम को तेज शुरू करने का मनसूबे बनाओ, मनसूबे आपके जो बनेंगे वो ग्रुप के साथ बनेंगे, तो सीनियर एजेंट के साथ बैठ के आप अपने आप को बिल्कुल जो है वो सीखोगे और लोगों को बताओगे। काम वही है जो दूसरे लोग कर रहे हैं। आज आपसे पूछा जाए कि आप मोबाइल ले रहे हैं कहाँ से लें, अमूमी तौर पर लोग बताते हैं सदर सर वहाँ सस्ता मिले, एक मशवरा है, मशवरा तो आराम नहीं देते सर, तैयारी किसकी अच्छी है, कोई बोल देगा जावेद की अच्छी है, कोई बोलेगा जावेद की अच्छी है, वाइट चले जाओ, सदर चले जाओ, बस रोड चले जाओ, काली रोड पर चले जाओ, अभी उसने नया खोला है हैदराबाद को जावेद का, तो इसके सारे मशवरे आप देते रहते। अब जब हमसे डिलेक्शन के बारे में कोई मशवरा लेता है तो उसको हम जब डिलेक्शन की प्रोडक्ट के बारे में बता दें और इस बताने बताने की वजह से आप ये देख लो कि मुझे सबको पता है कि डिलेक्शन का जो प्रोडक्ट है वो मलेशिया से आती है, अनवार भाई के पास मिलती है, तो रिजल्ट उसके लिए कि ये डिलेक्शन के सिर्फ टूथपेस्ट जो है ये महीने के अंदर 40,000 टूथपेस्ट मेरे फोन के ऊपर डिलीवर हो जाए, यानी आप मुझे बिल्कुल
भी करना होता, फोन आया उससे मिलवा, और ज्यादातर लोग हैं जिससे मैं मिलवाता हूँ उसको 100-200 रुपए पेट्रोल के अलग दे रहे हैं, क्योंकि हमें जब जरूरत जहाँ से पूरी होती है हमारे पास सबसे ज्यादा इज्जत वहां पर होती है। अगर आपके दांत में दर्द हो रहा हो तो सबसे ज्यादा अहमियत ये होती है, उसके बाद आपको सोना चांदी नहीं चाहिए होगा, आपकी जीवन की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि दांत का दर्द ठीक हो जाए। तो बीमार आदमी उसके बाद लाखों करोड़ों रुपए भी हम वो बेकार हो जाए। एक आदमी को शुगर हो जाए, एक चम्मच चीनी उसको बोले 1 लाख रुपए तुम्हारा चीनी गाय को नहीं खाए तो पता है 1 लाख तो आएंगे मैं मर जाऊँ। हमारी जो जरूरियात जिंदगी है उसको पूरा करने के लिए चीज़ों की अहमियत है, उनको जब अहमियत दी जाएगी तो अहम हो जाएगी। इसी तरह दुनिया के अंदर अहम चीज़ है एक आदमी के लिए वो उसके बाद है, लेकिन अल्लाह के पास चले जाते हैं ऐसा तो नहीं रह जाता, चले जाता वक्त कोई मुकर नहीं, जो लोग इसकी खिदमत कर लेंगे वो फायदा होगा। यहाँ पर उनकी खिदमत क्या है, जब आपके बूढ़े वालदे हैं वो लादर और वो नहीं होने देती थी। एक मिसाल के तौर पर बूढ़े वालदे 60-70 साल की उम्र में जब बिस्तर पर लेट जाते हैं, गोडे गिर के काम नहीं कर रहे होते, आप उनको पेशाब पकाने के लिए उठा के ले जा रहे होते हो, पैंपर उनसे चेंज कर रहे हो, ये सिर्फ इससे हिफाजत कर रहे हैं। 60-70 साल 80 साल के लोग भी अपना काम खुद उठ के कर रहे होते हैं। ताकत भी सिर्फ उनके प्रोडक्ट में है, जो हमें सीखना पड़ेगा कि इनको इस पर क्या लिखा है। तो मनसूबा जी करा के इस मखसूस काम को अपना शुरू करें और अपने अपने जिम्मे पे लगा के इसको अपने अपने मतलब तरीक़ेकार के मुताबिक इस काम को करना शुरू करें, और अल्लाह ताला आप लोगों की हिफाजत करे। इसमें कोई हद मुकर्रर नहीं है, कोई टाइम मुकर्रर नहीं है, ये वाहिद काम है जिसमें आपका कोई बॉस नहीं, जितना आप सीख लोगे आप उसको कर लो। ये वाहिद काम है जिसमें आपका कोई शहर नहीं, ये वाहिद काम है जिसमें आपका मुल्क नहीं, ये वाहिद काम है जिसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, दुनिया में हर जगह हो सकता है। मेरी जो टीम है उसमें हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन मुसलमान और जितने दूसरे लोग हैं वो सारे शामिल हैं। अगर मेरी टीम के अंदर कोई नौरोपी है, क्या है वहाँ पर है, कोई जर्मन में है, मुझे ये थोड़ी पता है कि वो कौन से आदमी है, किस नस्ल का आदमी है, लेकिन वो डीएसएन में काम कर रहा है, मेरे बताई हुई प्रोडक्ट की उसको इस्तेमाल कर रहा है, चेंज सिस्टम के तहत मैंने किसी को बताया, इनको बताया, इन्होंने दुबई के अंदर अपने किसी रिश्तेदार को बता के मेम्बर बना लिया, इन्होंने आगे नॉर्वे में किसी को रिश्तेदार को मेम्बर बना लिया, उन्होंने जर्मन में बना लिया। यहाँ बैठे हुए इस वक्त जो टीम है मेरी वो मुख्तलिफ 17 ममालिक में काम करे, नहीं चाहता जो है वो 130-135 ममालिक की टीम में काम करे। डीएसएन इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर 180-185 ममालिक में काम कर रहा है। आपको काम करने में इतनी आसानी है, आप इस बात पर हैरान हो जाएंगे कि नेट के ऊपर रबते होते हैं, फेसबुक के ऊपर रबते होते हैं, आप सिर्फ अपनी अवेयरनेस दो उनके, आप जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है उसको आप करके आप मेम्बरशिप लो और काम शुरू करें, ठीक है ना। और बेहतरीन बात यह है कि अपने जो आपके लोग हैं, जो आपकी समझो कि सीनियर लोग हैं, उनके साथ मिलकर आप इस काम को शुरू करो और पाया तक बीच तक पहुँचो। तो आज की जो बात है उसमें खास बात यह है कि डीएसएन एक ऐसा इदारा है कि जो आपको बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के, बगैर किसी बॉस के, सिर्फ सीख कर टीम बनाकर करने से विदिन 3 महीने आपको इस स्टेज पर पहुंचा सकता है कि जो एक आम आदमी 18 से 19 में स्केल की सैलरी है वहाँ तक आपको ये पहुँचा सकता है। तरकीबें इस्तेमाल वो खुद करनी है, मेहनत खुद करनी है। आप 8 घंटे सर्विस करते हो, अगर आप 8 घंटे पूरे डीएसएन को लगाओ इंशाल्लाह ताला 3 से 4 महीने के अंदर आप इस स्टेज पर आ जाओगे, आपका पूरा घर जो इससे फायदा होगा। हमारा दावा ये है कि जो लोग हमारे साथ जुड़े अगर वो सही 7 से 8 घंटे डीएसएन को करें उनके अंदर नफी नहीं हो, नेगेटिविटी नहीं होगा। जैसे अमूमन हम बात कर रहे हैं किसी दोस्त से बात करते हैं, हाँ भाई डीएसएन बड़ा बेहतरीन चल रहा है, कितनी देर काम करते हो, यार बस कर लेते हो, लेकिन एज ए ट्यूटी 7-8 घंटे वाले नहीं होते। वो अमूमन जैसे कोई मिल गया 1/2 घंटा एक दफा बात कर लीजिए, 15 मिनट बात कर लीजिए, वो उसी में उनकी जो इनकम है 40,000-50,000 हो जाती है, वो उसी में हो जाती है। हमारा दावा क्या है, हमारा दावा ये कि जो लग के डीएसएन को इस तरह काम करे कि उसका अपना कारोबार है, उसको 1.5 से 2 साल के अंदर कम से कम 1 लाख रुपए और 6 महीने के बाद कम से कम 5 लाख को क्रॉस कर देना चाहिए। शायद क्या है कि वो अपने आप को डीएसएन का मेंबर माने, डीएसएन का अपनी मलकियत माने, उसके तहत काम करे। डीएसएन कंपनी हमें क्या फैसिलिटी दे रही है,
ये दफ्तर हमारे पास है, इसमें कोई बिल हमें नहीं। मैं आया बैठा, मैंने कहा बुलाना जरा यार एसी चला दो, उसने आगे चला दिया खामोश, इसका बिल मुझे नहीं देना। इसी तरह यहाँ पर बाहर मिनरल वाटर है, उसकी मोटर लगी हुई है, सारा कुछ सिस्टम है, जितना भी लगा हुआ है, इसका कोई पेमेंट हमें नहीं करना। हमें सिर्फ अपने वर्क को फोकस करना है, जो चीज़ें हम अपने इस्तेमाल के लिए करेंगे वो उसको खुद इस्तेमाल करेंगे, लोगों को इस्तेमाल कराएंगे, उसके जो वाउचर्स हमें मिलते हैं, पेमेंट जो हमें मिलती है वो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा है, इतनी अच्छी है, हमें कहीं जॉब करने की जरूरत है। ये सब ये जो ऑफिस सुबह 10 बजे से खुलता है, रात 8 बजे तक आप किसी भी वक्त काम कर सकते हैं। फिर ये तो कराची है, मैं यहाँ से लाहौर गया, लाहौर का ऑफिस भी इसी तरह, मैंने कुछ दिन वहाँ पर काम किया, फिर मैं मुंबई गया वहाँ पर मैंने काम किया, इस्लामाबाद गया वहाँ पर काम किया, वापसी में मुल्तान आए वहाँ पर भी काम किया। यानी पूरे पाकिस्तान के अंदर आपको हर वक्त ये अवेलेबल है कि हर शहर के अंदर आपका एक सेंटर मौजूद है। कराची के अंदर 9 सेंटर है, अगर आप यहाँ तक नहीं आ सकते, आप क्लिफ्टन में रहते हो तो क्लिफ्टन में 2 सेंटर, आप यहाँ तक नहीं आ सकते, आप नाजाबाद में रहते हो तो नाजाबाद में एक सेंटर, आप यहाँ तक नहीं आ सकते, आप मलिर की तरफ गिलांडी की तरफ रहते हो तो मलिर में एक सेंटर। यानी आपको काम करने के अंदर जितनी फैसिलिटी चाहिए वो मौजूद है। करना क्या है कि आपको इस काम को लग के सीखना है, चाहे आपका 1 दिन जाया हो, 2 दिन जाया हो, 1 महीना जाया हो या 3 महीने जाया हो। मुझे भी शुरू में अजीब सा लगता था ये भी कोई काम, लेकिन जैसे जैसे सीखते गए और उसकी आफादियत को हासिल करते गए, वैसे वैसे हम उसके फैन होते गए। फैन यू होते गए कि अब 2 फायदे, एक तो 7.5 साल पहले हार्ट के पेशेंट थे, अब वो नहीं। इसी तरह उसके अलावा जितनी आने वाली बीमारियां थी उससे भी जान चुकी है, यानी दिल गुर्दे जिगर। मैं बाहर तक अपने दोस्तों में आदमी हूँ जो ये दावा कर सकता हूँ कि इंशाल्लाह ताला इन बीमारियों को अब मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने सारे टेस्ट कराए हुए, सब तरफ से होते बाकी अल्लाह की तरफ से जिंदगी और मौत है। लेकिन जब तक मैं हूँ उस वक्त तक मैं सेहतमंद, 60 साल उम्र हो गई, आगे अल्लाह 5 साल देता है, 10 साल देता है या 5 दिन देता है, ये अल्लाह को पता है। लेकिन इंशाल्लाह ताला जब तक हैं, रिएक्शन की वजह से शौक भी अपने पूरे करेंगे और अल्लाह ने चाहा तो सेहतमंद भी रहेंगे। तो आप लोग भी सभी कोशिश करो, अपने ऊपर मेहनत करो और 2 काम आपने करने हैं, एक तो खुद इस्तेमाल करना है, दूसरा लोगों को इस्तेमाल करने की जरूरत है। काम को बराबर सीखना है, अपनी टीम बनाना है। जब आप टीम बनाने में कामयाब हो जाते हो, 1 हफ्ते में आप 10 आदमी भी ले आते हो, विद इन ईयर आप 1 लाख रुपये से ऊपर की इनकम यहाँ से हासिल कर सकते हो। और सबसे अहम बात यह कि जो भी चीज़ें हैं इसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, सिर्फ अपने लिए करनी है, वरना कोई इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं। 1 लाख रुपये की इनकम के ऊपर भी आपकी जेब से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। जो चीज़ आपने ऐसे काउंटर से खरीदोगे, जिसको दोगे उससे पैसे लोगे, और आपको स्टॉक करने की इतनी ज़रूरत है लिमिटेड, आपको कोई 1 लाख रुपये का स्टॉक नहीं उठाना होगा, बल्कि लिमिटेड है कि यहाँ पर ये चीज़ें इनकी जरूरत रुपये से मैंने रुपये से जाके इनको देखी, इनकी जरूरत इसी है तो इसी उठा देंगे। जब आदमी इस लेवल पर पहुंच जाता है जहां पर मैं बैठा हूँ, तो मुझे लोग फोन करके बोल देते हैं, सामान की नंबर बैठा दिए तुम्हें यहाँ यार, वो ऋषि मिल पा यार बच्चे को भेज रहा हूँ टूथपेस्ट दे दिए, ऑनलाइन सारे काम हो गए, अकाउंट के अंदर पैसे आ जाते हैं। आज की डेट में 26,000 रुपये की प्रोडक्ट मैंने सिर्फ ये उसके ऊपर मैं दे के और फिर मैं कर दिया। आपको काम करना है, आप उसके अंदर डूब के सीखे, आप वैसे भी तो घूम रहे हैं, आप जो दोस्तों को टाइम देते हैं, जो चाय के होटलों को टाइम देते हैं वो ना दें, आप इस माहौल को टाइम दें जहाँ पर आपको माहौल भी अच्छा है, एसी भी अच्छा है, आपको अपने काम के अंदर लगा हुआ। जितनी बच्चियाँ हैं जैसे माशाल्लाह से यहाँ पर इतनी सारी ऐसी बच्चियाँ हैं जो काम कर रही हैं छोटी उम्र के अंदर से, और अब माशाल्लाह 3-4 साल 5 साल के अंदर उन्होंने सीखा है, उनके दोस्तों के अंदर काम। मेरी बच्ची जब 9वीं जमात में पढ़ती थी वो रिएक्शन का साबुन इस्तेमाल करके जाती थी, उनके टीचरों ने पूछा कि उनके चेहरे पर क्या लगा दी, अपने साबुन ला के दिए, बोला हमें भी ला। तो रिजल्ट ये था कि 9वीं जमात के अंदर तकरीबन 3 से 4 महीने तक महीने में 5 से 7 साबुन जो है ना वो उसकी टीचर ने लिखी। फिर टीचरों ने आगे जिनको बताया कि भाई हमारे पास ये साबुन आया था मलेशियन बच्ची एक लेकर आती है आपके लिए ला दी, उन्होंने रखा। वो करते करते 3 से 4 महीने के अंदर, जब तक वो 9वीं में थी फिर उसने मैट्रिक की, मेरा ख्याल कम से कम 1,000 साबुन जो है उसके सेल हो चुके थे सिर्फ उसके अपने स्कूल के अंदर। ये क्वालिटी अफादियत प्रोडक्ट की, हमें उस प्रोडक्ट को उसकी क्वालिटी को सीख के और लोगों को बताना आना चाहिए। जब हम खुद यूज करेंगे तो लोगों के अंदर नजर आएगा, मैं ऋषि यूज करता हूँ तो लोगों को नजर आएगा, ठीक है ना। 60-70 साल के अंदर जो मेरे हालात हो रहे थे, गोटे गिट्टे मेरे बैठते थे वो अभी ठीक है,
इसी तरह हार्ट का जो प्रॉब्लम था मुझे आज से 6-7 साल पहले, यानी 52-53 साल की उम्र के अंदर जब मुझे ये हुआ था, उससे मैं बच गया तो ये भी जीत हो। अब उससे बचने के अंदर जो ऋषि इस्तेमाल कर दिए उसके ऊपर मैं कहूँगी ये महंगी है, मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि मुझे उस वक्त उन्होंने 53 में ये कहा था कि अगर आप उसको 15 दिन के अंदर कराओगे तो आपको कम से कम भी 7 लाख रुपये जमा करने पड़ेंगे गवर्नमेंट की फीस, जब प्राइवेट में कराओगे तो 13 लाख रुपये जमा करने, और अगर आप टाइम पे गवर्नमेंट पे कराओगे तो फिर आपको 2.5 लाख रुपये लगेंगे। मैंने इस पीरियड के अंदर मेरा ख्याल ज्यादा 40 से 50 हज़ार रुपये की ऋषि खरीद की, तो वो सस्ती रही ये सस्ती है। और आज अलहमदुल्ला मैंने ऑपरेशन वालों को देखा, वो सीनियर चढ़ रहे होते हैं, बिल्कुल रुक के चढ़ रहे, सांस फूल रही होती है, ऑपरेशन के बाद भी यार बाईपास हो गया फिर भी यार, आज अलहमदुल्ला ऐसे कैसे। आप लोगों के लिए सबके लिए जो मेरी तरफ से अवेयरनेस है वो ये है कि चीज़ को इस्तेमाल करो, सीखो, लोगों को बताओ, अपनी टीम को जोड़ो, दो फायदे हासिल करो, एक तो सेहत और दूसरा बेहतरीन। आप लोगों की आमद के बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और जो बात इसके अंदर